गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम. वेलकम इन आर वीडियो स्टूडेंट्स. टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आर चैप्टर नंबर 2, दैट इज फूड. स्टूडेंट्स, इन माय प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस द मिनरल डेफिशिएंसी, वी हैव डिस्कस द कैल्शियम डेफिशिएंसी, आफ्टर दैट फॉस्फोरस डेफिशिएंसी एंड आयरन डेफिशिएंसी. I hope this topic is clear to all of you. And now in today's video, we are going to discuss the iodine deficiency. Iodine deficiency, goiter is an iodine deficiency disease. Goiter is an iodine deficiency disease. Iodine ki deficiency se goiter disease ho jati hai. विच इज़ वाइड स्प्रेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आर कंट्री. हमारी कंट्री के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ये गोइटर जैसे डिसीज़ बहुत ज़्यादा हैं. आयोडीन इज़ नीडिड फॉर द सिंथिसाइज ऑफ हारमोन्स कॉल्ड थायरोक्सिन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड्स. हमारी बॉडी में, नेक में थायराइड ग्लैंड्स होते हैं जो एक हारमोन्स प्रोड्यूस करते हैं, डैट इज़ नोन एज थायरोक्सिन. Okay, and iodine is needed for this hormones. Iodine is needed for the synthesis of the hormone thyroxine. Clear? Thyroid glands एक hormone produce करते हैं, that is known as thyroxine, और उसकी synthesis के लिए iodine की requirement होती है. A person with goiter shows swelling in the neck region like this. जिस पर्सन को गोइटर की डिसीज़ होती है उसकी नेक में स्वेलिंग हो जाती है. स्वेलिंग मीन्स सूजन हो जाती है. आयोडीन डेफिशिएंसी ड्यूरिंग फोटल स्टेज मे लीड टू मेंटल रिटार्डेशन एंड रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ इन लेटर लाइफ. स्टूडेंट्स, आयोडीन डेफिशिएंसी ड्यूरिंग फोटल स्टेज. फोटल स्टेज मीन्स जिसे हम बोलते हैं, जैसे कोई वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है तो गर्भ अवस्था में अगर उसकी आयोडीन की कमी हो जाती है, लेडी में आयोडीन की कमी हो जाती है, तो उसे जो बेबी बॉर्न होता है उस बेबी की मेंटल रिटार्डेशन मींस उसका जो मेंटल पावर है, उसकी शारीरिक और मानसिक विकास दोनों की ग्रोथ कम हो जाती है, रुक जाती है. ना तो उसका शारीरिक विकास होता है और ना ही उसका मेंटल का विकास होता है. ओके, मींस वो बच्चा एक तंदुरुस्त बच्चे की तरह नहीं होता, उसका दिमाग भी कम काम करता है. क्लियर? इट इज़ नॉट प्रिवेलेंट अमंग द पीपल ऑफ कोस्टल एरियाज एज दे गेट आयोडीन फ्रॉम द सी फूड दे ईट. आयोडीन स्टूडेंट्स, जो आयोडीन की डेफिशिएंसी से डिसीज़ होती है जिसे हम गोइटर कहते हैं, वो कोस्टल एरियाज़ के नियर अबाउट जो पीपल रहते हैं उनको नहीं होती. कोस्टल एरियाज़ मीन्स जो समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं. बिकॉज दे गेट आयोडीन फ्रॉम द सी फूड, क्योंकि वो सी फूड खाते हैं और सी फूड में क्या होता है, आयोडीन होता है. तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से डिसीज़ कहाँ होती है, ये माउंटेन्स रीजन में होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में, माउंटेन्स एरिया जो होते हैं वहाँ पर होती है आयोडीन की कमी से डिसीज. वाई? बिकॉज द सॉयल एंड वाटर आर पुअर इन आयोडीन. क्योंकि वहाँ की जो सॉयल है और वहाँ का जो वाटर है वो उसमें आयोडीन कम होती है. वन ऑफ द वेल टेस्टेड अप्रोच टू कंट्रोल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसीज इज़ द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट बाय द अफेक्टेड पॉपुलेशन. तो आयोडीन डेफिशिएंसी को कंट्रोल करने के लिए हमें आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए, हमें अपने खाने में आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करना चाहिए, सो दैट आयोडीन की डेफिशिएंसी ना हो, गोइटर जैसे डिसीज़ ना हो. ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ व्हाट शुड वी ईट, हमें क्या खाना चाहिए. द टर्म डाइट रेफर्स टू द फूड ईटन बाय द ह्यूमन बींग्स. अ बैलेंस्ड डाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स which are important for proper growth and development of the body. Diet means जो human beings खाना खाते हैं, that is known as diet. Now balanced diet means ऐसी diet जिसमें वो सारे nutrient present होते हैं जो हमारी proper growth and development के लिए important होते हैं. The food is required to provide energy for work and for providing nutrients essential for growth, for repair of tissue and for reproduction.
फूड, फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, सो दैट हम वर्क कर सकें, डेली लाइफ के जितने भी वर्क होते हैं वो हम कर सकें। और बैलेंस डाइट से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारे टिश्यूज़ के रिपेयर के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए फूड, ये सारे न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। फूड आल्सो प्रोटेक्ट आर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से भी फूड बचाता है। एनर्जी ऑब्टेंड फ्रॉम फूड इज़ आल्सो नीडेड फॉर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड डाइजेशन। जो फूड से हमें एनर्जी मिलती है वो सभी एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होती है, जस्ट लाइक रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन प्रोसेस होता है और फूड के डाइजेशन के लिए हमें एनर्जी की नीडेड होती है जो हमें फूड से मिलती है। अ बैलेंस डाइट कैन बी वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, बैलेंस डाइट वेजिटेरियन भी हो सकती है, नॉन वेजिटेरियन भी हो सकती है। अ बैलेंस सिंपल मील इज़ मोर नरिशिंग देन एन इम्बैलेंस्ड ग्रीजी और जंक फूड। स्टूडेंट्स, जो बैलेंस फूड होता है डैट इज़ सिंपल मील जो हमें नरिशिंग देता है, हमारी बॉडी को पोषण देता है, देन एन इम्बैलेंस्ड, ज़रूरी नहीं है कि हम इम्बैलेंस्ड खाना खाएं, इम्बैलेंस्ड मतलब जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर प्रेजेंट नहीं होते, चाहे वो ग्रीजी हो, ऑयली हो, जंक फूड हो। डीप फ्राइड फूड लोज देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू, अगर हम फ्राइड खाना खाते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो ख़त्म हो जाती है, फ्राई करने से, डीप फ्राई करने से उसके सारे न्यूट्रेंट ख़त्म हो जाते हैं। ऑयली एंड स्पाइसी फूड हैव गुड टेस्ट बट दे हैव नॉट क्वाइट न्यूट्रिटिव, जो ऑयली और स्पाइसी खाना हम खाते हैं वो टेस्टी होता है नो डाउट, बट उसमें न्यूट्रेंट कम हो जाते हैं। स्टेल एंड रोटन फूड कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ, स्टेल एंड रोटन, स्टेल मीन्स बासी खाना एंड रोटन मीन्स गला सड़ा फूड जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। ईटिंग लोट ऑफ फ्राइड आइटम्स लाइक समोसा, कचौरी, ब्रेड पकौड़ास मे नॉट प्रोवाइड यू द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो हम फ्राइड खाना खाते हैं जैसे समोसा, कचौरी, ब्रेड पकौड़ा, उनसे हमें टेस्ट ज़रूर आता है बट उनसे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नहीं मिलते। सो दैट्स वाई वी हैव टू अवॉइड दिस जंक फूड, फ्राइड फूड, स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, एंड वी हैव टू ईट अ सिंपल मील, अ बैलेंस्ड डाइट डैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स डैट आर नीडेड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ, फॉर रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड रिप्रोडक्शन। हमें ऐसी डाइट खानी चाहिए जिससे हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ होती है, हमारे टिश्यूज़ की रिपेयर होती है, ओके, और हमारी मेंटल ग्रोथ भी होती है और हमारी हर तरह की जितनी भी हमें चाहिए, बॉडी ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, रिपेयर ऑफ टिश्यू, सभी हमारी बैलेंस डाइट के खाने से होती है, तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट लेने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप इट्स क्लियर टू यू। सो यू हैव टू रीड इट, रीड दिस टॉपिक फ्रॉम योर साइंस बुक फ्रॉम पेज नंबर 26 एंड 27। In the next video, we will discuss the factors that are responsible for poor health. Okay? Thank you. Have a nice day.